जीत आए तू, एक मन एक चित पाए, हारतियां सदा सदा वडियाईयां, दे ना पछोता। सतबल हारण जित सेव सुख पाए, नानक गुरमुख मिल रहे, हाँ मैं शब्द जलाए। महला तीजा आपके सेवा लायन, आपे दक्ष करे सबना का माप आप है, आपे पार करे नानक नाम तिहायन, तिन निज घर वास है, जुग जुग शोभा हो पौरी, तू कर्म कारण समर्थ है करते, मैं कुछ दिन अवर न कोई, तुझ आपे इष्ट त्रिजिया आपे पुंगोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई, वदाई गुरमुख दे पाप हर पावे सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई, वदाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग युग युग अचान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान हो बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, अमृत वेले के सजे हुए इस दीवान के अंदर आप जी ने अमृत बचना का कीर्तन सरवण किया है। अब जो पावन पवित्र हुक्म धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रकाशमान खुंदियां बख्शिश किया, अमृत बचन पौड़ी तन धन गुरु रामदास महाराज जी की उच्चारण की हुई है, और इस पौड़ी नाल जो दो श्लोक ने सब धन गुरु अमरदास कृपालू जी महाराज उन्होंने अपने पवित्र मुखारबिन तो उच्चारण किए,
पवित्र हुक्म नो जो दो श्लोक और इस पौड़ी के रूप में उच्चारण किए ने दातार ने इसलिए विचार तां गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा नाल आपां करांगे। आओ साहिब के चरणा विच अरदास करिए दातार जी, आप कृपा करके सानू एकाग्रता की दात बख्शो ता जो प्रेम भावना अंदर के पूर्ण टिकाओ नाल आप जी दे इस अमृत बचन नू आपां विचार सकिए। जितने भी हजूर की चरण शरण विच इकत्र होए हो करो कृपालता प्यार अदब के नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने अज दे इस पावन पवित्र बचन नू आरंभ करदिया बख्शिश कीती है कि हे मेरे मन तू उस परिपूर्ण परमेश्वर नू एकाग्र चित हो के पूर्ण एकाग्रता के नाल ध्यौना कर ने ओ परमात्मा इन्ने को दयालु कृपालु ने कि जिज्ञासु नु कोई भी दात देंदे ने ते अपनी दित्ती हुई दात दे के कभी भी परमात्मा पछताउंदा नहीं। गुरु अमरदास जी दे अज बचन दी पहली तुकां है कि ए मन हरदी ध्याए तू, इहदा अर्थ है हे मना उस परम पिता परमात्मा वाहेगुरु नु तू ध्याणा कर। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए, एक मन होके एक चित होके ते नाल शब्द वरते पाए, पाए का अखरी अर्थ हुंदा है प्रेम। इहदा मतलब कि भावना नाल प्रेम नाल उस एक परमात्मा नु एक चित एकाग्र होके प्यार नाल कहन लगे खर्चियां सदा सदा वडियाईयां देना पछोता है। उस परम पूर्ण परमात्मा वाहेगुरु जी दियां वडियाईयां सदीव काल ने वो कभी भी किसी नू कोई दात दे के पछताउंदा है। सब तो पहली बेनती है कि इस मन नू इक चित इक एकाग्रता विच लिया के भगती कीती जाए। देखो मन का सुभाव तो एक बच्चे की तरह है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बाणी विच बख्शिश कीती है कि उन्होंने मन छेती कीतिया एकाग्रता विच पूर्ण टिकाओ विच आउंदा है कि जिवें एक बच्चा चंचल है इसे तरह एक मन का सुभाव ही इन्ना चंचलता भरिया है। एक बच्चे नू तको घर विच एक खिन तां उह बच्चा हसन लग पैंदा है ते दूसरे खिन कोई बच्चा हसदिया रोन लग पैंदा है। कभी वो बच्चा प्रेम की बोली बोलेगा, कभी वो रुस के खामोश हो जाएगा। ते शायद किन्ने जिन्हें एक बच्चे दे अंदर सिखरता नहीं, कभी हसदा है कभी रोंदा है कभी खामोश हो जाता है। किन्ने हकीकत विच इस मन की अवस्था भी ए वे कभी ता ए बहुत अत का प्रसन्न हुंदा है ते कभी ए मन जेड़ा बिलकुल निवान नू चला जांदा है, कभी चंचलता विच आ जांदा है, कभी ए गंभीरता विच चला जांदा है। मन हमेशा पारे की तरह छलकदा पिया है, इहदे अंदर पूर्ण टिकाव है। साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब हजूर ने मन दे संबंधी बचन कीता कि फरमाउण लगे
ताया नगर एक बालक बचिया छिन पल फिर ना रहाई के शरीर रूपी इस नगर दे विच मन रूपी एक छोटा जिहा बालक रहिंदा है। बड़े यत्न कीते ने इह किते टिक जाए कदे टिकदा है। ताया नगर एक बालक बचिया छिन पल फिर ना रहाई अनख उपाव जतन कर खाके बारंग बार परमाई। बड़े यत्न कीते कि इस मनो की कादरता मिल जाए ये मन किते टिक जाए। हजूर किन्ने बारंग बार के मन भटकदा पे इस दे अंदर टिका नहीं होंदा पिया। हजूर ने बाणी दिती मन दे संबंधी कुछ होर प्रमाण दिते क्योंकि सब तो वड्डी समस्या इउं कह लो भी सारी खेड ही इस मन दी है। भाई गुरदास जी होना ने अपनी पवित्र रचना विच कुछ प्रमाण दिते ने कि मन किने सारे इंद्रियां ते काबू पाई बैठा है, किवे कि मन हर एक नूं अपनी गल मनांदा है। भाई साहब कहिंदे ने कि जदों मन दी इच्छा होवे कि मैं किसे चीज नूं तकना है, हालांकि वेखणा कम जो है उह अखां दा है, पर अखां नूं हुक्म मन दिंदा है, मन दे हुक्म नूं मन के जो कुछ मन कहिंदा है उह कुछ अखां तकन लग पैंदियां। कहिंदे कन्ना दा सुभाअ है कम सुनना, पर मन जो कन्ना नूं हुक्म दिंदा है मन विच ख्याल उपजदा है, मन विच फुरना उठदा है कि मैं कन्ना नूं कोई चीज सुननी है, ते उस वक्त मन दे हुक्म नूं मन के कन्न जिहड़े ने उह कोई गल कोई चीज कोई गीत कोई शब्द जिहड़े ने सुन लग पैंदे ने। कहिंदे जीव दा कम केवल बोलना है जां रस नूं चखना है। जदों मन दे अंदर इह बिरती इह फुरने उठन कि मैं फलाने बंदे नूं अज अपनी जबान नाल इह कुछ कह देना है, मन विच ख्याल उपजदे ने ते कारवाई जिहड़ी इह जीव करदी पई है। कहिंदे ने जदों आपां किते जाणा होवे पैर बाद वी तुरदे ने पहला मन विच इह ख्याल पैदा हुंदा है कि मैं इस जगह ते पहुंचना है। भाई साहब कहिंदे देखो इह किन्ना ताकतवर है, इक मन ही सारिआं ते कब्जा करी बैठा है। जे अखां विच देखना ते तां मन दी मन ने हुक्म करना है, जे जबान तो बोलना ते तां मन दी मन्नी जानी है, जे कन्नां नूं सुनना है तां मन दी मन्नी जानी है, जे पैरां नाल चलना है तां मन दा हुक्म सुनिआ जांदा है। कहिंदे हकीकत विच इक मन जिहड़ा है ये सारिआं इंद्रियां ते अपना काबू पा के बैठा है। भाई गुरदास जी ने शब्द कहे ने कहन लगे अखी अंदर वेखदा कर चोज विडाना। इहदा अर्थ है कि मन अखां विच बैठ के अनेक तरह दे चोज कौतक देखदा पिया है। अखी अंदर वेखदा कर चोज विडाना, कन्नी सुरदा सुरत कर आखाण विखाणा, कन्नां विच उह सुरत करके सुणदा है, जो कोई बोलदे उह कन्न सुणदे ने। हकीकत विच सुणदे कन्न पए ने पर उहदा रस जिहड़ा उह मन मानदा पिया है। अखी अंदर वेखदा कर चोज विडाणा, कन्नी सुणदा सुरत कर आखाण विखाणा, जीभ अंदर बोलदा उह साध लुभाणा। कहन लगी खत्ती किरत कमाव दा पग चला सजाणा, देही अंदर एक मन इंद्री परवाणा, इस सारे शरीर दीआं इंद्रियां ते एक मन काबू पाई बैठा है। किन्ने एक मन नूं सारियां इंद्रियां ने प्रवान कर लिया है, देही अंदर एक मन इंद्री परवाणा। हुण इहो जिहा मन जिहदी चार चिहरे चलदी होवे उस मन नूं किवें काबू कीता जाए। एक बड़ी वड्डी समस्या मैं बेनती कर रहा, हर एक का सवाल हुंदा है कि इस मन नूं किवें टिकाईए। मन नहीं टिकदा, मन दौड़दा पिया है। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कृपा करके बचन कहे ने, कहिंदे ने जे मन नूं टिकाणा चाहना है तो पहली गल तैनूं इह गल सोचनी पएगी कि तेरे वेखण दा नजरिया की है, तू किन्ना लोकां दी संगत करना है, किहो जिहा अन्न तू रोज खाना है। सियाणे लोकां ने शब्द कहे ने कि जिहो जिहा बंदा अन्न खांदा है अन्न उहदे मन उत्ते प्रभाव जरूर पाउंदा है। ताहीं असीं पढ़ने सुणने आ कि जैसा अन्न तैसा मन,
तेरा अग की हो जा है, तेरी संगत किन्ना लोकां दी है, तू की हो जा वेखना तकने, तू की हो जा लिखकर पढ़ना है। जैसा असि पढ़ा गे मन को असर कबूलेगा, जो कुछ असि देखा गे वो मन से असर पेगा। हकीकत भी ज्यो ज्या अन्न खावे उस अन्न ने भी मन उत्ते अपना प्रभाव पाना है। आप सोचने कि शायद एक खादा हुआ अन्न कभी प्रभाव नहीं पाता। मैं सोचना वा दातार जी तुसी तां प्रसाद छकन लगे हैं, हुण तां गुरु नानक साहिब कृपालू जी अहमदाबाद की धरती से पहुंचे। आपनू पता भाई लालो दे घर जाके टिकाणा कीता है, सारे उस शहर के अंदर ये गल घूम गई थी कि गुरु नानक साहब आए ने। एक महान तपा आया है, शब्द वर्गे सन लोग तपा तपस्या करने वाले, पर वो टिके ने एक शूदर के घर रेंदे पए ने भाई लालो के घर। उन्हां दिनों के विच ही मलक बाहू ने अपने वालों ब्रह्म पूज चलाया थी, ते उहदे विच उहने कीमती स्वादिष्ट पकवान तैयार कराए। सारे साधु आए, हर एक ने छकिया ते असीसां दित्तियां कि मलक भागो बड़ा धर्मी है, ये संत सेवी है, ये लोड़वंदा का बड़ा हमदर्द है। पर इको एक बाबा नानक सतगुरु जिहड़े उहदे घर नहीं गए। मैं सिर्फ बेनती इस करके कर लगा कि आपां मन छकाण की गल तां रोज करने ते कुछ नहीं है, पर पहली गल सोचिए भी आपां मन छकाण वास्ते हीले की किते। केवल जबानी कही जाना मन नहीं टिकदा, मन नहीं लगता, मन नहीं ठहरदा, इस कहन दे नाल मन ने कभी नहीं टिकना। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जब वो नहीं पहुंचे ते मलक भागो ने आप आदमी भेजे कि सारा शहर इलाके के साधु संत आए ने कि तुसी एक बारी मेरे घर विच जरूर आओ। देखो मैं ब्रह्म भोज बनाया हुआ है। ब्रह्म भोज दा अर्थ कि रब दे नां ते भोजन। ब्रह्म भोज दा अर्थ जिन्हों खाण दे नाल ब्रह्म नाल सांझ पै जा। ब्रह्म दा अर्थ परमात्मा नाल सांझ पै जा। महाराज धन गुरु नानक साहिब गए ने, वो आप अखीर ते चल के आया। हजूर जे गए ते एक शब्द वरत्या उन्हां गए ने कि उन्हां इह कहा मलक भागो नूं, कह लगे तेरे घर का अन्न असि सेवन नहीं करना। कहिंदा क्यों? कह लगे तेरे घर का खाधा होया ब्रह्म भोज नहीं, असल विच इह चम भोज है। महाराज जी इह चरम भोज किवें? कह लगे कभी तकी ब्रह्म भोज उह हुंदा जिहदे खाण दे नाल ब्रह्म नाल सांझ पै जाए। ते सच जाने तेरा भोजन खाण दे नाल तां गरीबां दा खून मूंह विच पैणा है, तेरा अन्न खाण दे नाल भगती कर लग्या अंदर दी एकाग्र बनदा। उन्हें मेरी गल कही, कहिंदा महाराज तुसी उच्ची ना बोलो। इहदा भाव इह सी आखिर लोकां विच मेरी बनी है, मैं बड़ा सियाणा वां, मैं बड़ा भगत हां, मैं बड़ा गरीबां दी सेवा करना। मैं पिछले दिनी विच अर्ज कीती है कि जे बंदा गरीबां दा हक खो के रिश्वत लै लै के, मैं कहना भावे सारे गुरुद्वारियां विच लंगर लाई जाए ना, क्षमा करो उस बंदे दे उस लायक और लंगर का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आखिर उन्हां विच भी तां गरीबां दा खून ही नजर पिया हुंदा। जे बाबे नानक ने मलक भागो नूं इह गल कही, इहदा भाव इह नहीं कि आपां उस नूं गुरुद्वारे ते लागू कर दईए भी जिसे जो मर्जी कोई पकाए खाए। क्षमा करो अपनी किरत नूं देख के हजूर नूं उस वेले मलक भागो कहिंदा इक बुरकी खाण नाल तुहाडा की विगड़दा है। ते बाबा जी ने उदाहरण बड़ी सोहनी दित्ती सी, कहन लगे मलक भागो नूं कि किक्कर दे बीज नूं कदे भी कंडे नहीं हुंदे। कभी बीज नूं हाथ दी तली ते रख के वेखो, किक्कर दे बीज नूं कदी भी कंडे नहीं, पर जदों उस बीज नूं आपां धरती विच बीज दईए ना, कंडियां दा जन्म बीजण दे नाल हुंदा है, हाथ ते रखण दे नाल नहीं। महाराज किंग ने खाना तां इस तरह है कि जिवें किक्कर दे बीज नूं तली ते रखणा है, पर जदों ओह भोजन अंदर गया उस अन्न ने मन नूं टिकण नहीं देणा, ते सूलां दी तरह चुभेगा। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, मन नूं टिकाण लई साडा भोजन साडी खुराक ही ओह जी है। असीं क्यों जिहे लोकां दी संगत पै करदे हां, ते इह गल कदी ना भुलीए, जैसे बंदियां दी सोसाइटी जां संगत
विच रोज गावे गुरमुखो छट जाणो मन उन्हां दा असर कबूल है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बाणी विच फरमान दित्ते ने मैं दो बेनतियां करके अगे तुरना वा क्योंकि अज थोड़ा जिहा जे रुकिया ए मन खारजी ध्याए तों एक मन एक चित पाए। हुण एक मन किवें बने एक चित किवें बने पहली गल अन्न साडा पैसा है। दूसरी बेनती कि जिओ जी संगत करांगे साहब धन गुरु ग्रंथ साहिब कबीर जी ने एक बचन किया कहिंदे मन तां इक उड़दे होए पंछी दी तरह है। कहिंदे जे पंछी अंब दे रुख ते बैठा है ते उस अंब दे टेडे नूं लगे होए नूं फल नूं चुंझ मारेगा ते उस रुख विचों उहनूं अंब दा स्वाद आउणा है। जे कोई अमरूद दे रुख ते बैठ गया है पंछी उत्थे जा के चुंझ मारेगा ते उहनूं अमरूद वर्गा स्वाद आउणा है। ए नहीं कि अमरूद के रुख तो उन्हों अंब का स्वाद आवे ते अंब के रुख तो उन्हों बेर का स्वाद आवे संतरे के रुख तो उन्हों जाके किसी होर अंगूर के फलां का स्वाद आवे। कह लगे जिओ जिहा रुख ते पंछी बहेगा ओह जिहा खानों खान नूं फल मिलेगा। कहिंदे मन तां पंछी की तरह है जिओ जिहा बंदियां की संगत करेगा गुरमुख सच जाणो ओह जिहा फल इहनूं जिंदगी विच मिल जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन आउंदा है कबीर मन पंछी भया कि मन एक पंछी की तरह है उड़ उड़ बह दिखदा है टिकदा कुछ दसी पासी दौड़दा है। कबीर मन पंछी भया उड़ उड़ बह दिख जाए जो जैसी संगत मिले सो तै तो पलखाए। जिओ जी संगत करेगा गुरु के सिखो इस मन ने ओहो जी फल खाना है। जिओ जी संगत कर दे अन्न कहता है आप संगत कैसी करनी हाँ। तीसरी बेनती मैं सिर्फ एक सिर्फ मोटिया दियां अर्थ की थी हालांकि मन नूं टिकाण दे तां अंदर दे फुरने बड़े उठ गए। फिर बाद मुखी जे किसी बंदे ने वाकई चाहे कि मन नूं टिकाणा अपनी खुराक से अपनी संगत से उस तो इलावा उस दिन रोजमर्रा जीवन में चके भी वो की कुछ देखदा की कुछ पढ़ता है। जे सारा दिन उन्हें पढ़ना तो गलत मलत लिटरेचर है पढ़ना तो उन्हें बेकार पर पैदा करने वाले लेख से पुस्तक ने परत के शाम कह दे सोदर के पास मेरा चित नहीं लगना चित लगना कितों। जे सारा दिन तो मलीन मूविया तकनिया ने रात भर मलीनता वाली मूविया तकनिया ने तो सवेरे कह सुखमणी साहब चित नहीं लगता गुरु के सिखो इना अखा रही 83% 83% जेडे विकार ने अखारी बंदे दे अंदर जांदे। साडा अन्न कहता है साडी संगत कहती है असीं रोजमर्रा जीवन विच तकने कीआं ते पढ़ने कीआं। मैं कहना इन्हां तीन गल्लां ते बंदा काबू पाण लगदा है। मैं बेनती करा तकरीबन बंदे दा अंधा मन अपने आप ही टिका विच आ जांदा जे कोई चले। साहिब ने कहा प्यारिया ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए इस मन नूं एक एकाग्रता नाल टिकाण ते उस हरी नूं जप। एक पुराना ग्रंथ है सुहागन कथा वाचक जेडे पुराने विद्वान सज्जन सन जदों विद्यार्थी किसी ने कथा सीखण आउणा ते पहला एक ग्रंथ पढ़ाए जांदे सन। उस ग्रंथ दा नाम है चार कुतावली छाने बजुर्ग लोकां नूं पता है। उस रुख उस वैगुरु ग्रंथ विच एक उदाहरण दिती ओह उदाहरण बड़े कमाल दी मन नूं टिकाण संबंधी। फिर मैं बेनती कर रहा उदाहरण का एक पाठ लेना है। सार कतावली ग्रंथ के कर्ता ने एक उसे प्रमाण दिता इन्होंने कोई छेद सी उस छेद ने कौतक करन दे लई कितों जिन मुल खरीद लिया। मैं बेनती करा इस समझ लई कि मन क्यों नहीं टिकदा टिके किवें जिन शब्द तुसीं समझदे हो आ भूत प्रेत जिन कहा जांदा है। किन्ने छेत ने कौतक करन दे लई खेड करन दे लई एक जिन खरीद लिया। उस जिन दे नाल इह समझौता होया कि जो छेत काम कहेगा वह जिन काम करेगा पर नाल जिन एक गल की भी कम जितना मर्जी भारी होवे कम जितना मर्जी दूर का होवे मैं हर काम तेरे इशारे से करांगा पर एक शर्त मेरी है कि जितन मैं वेला रह गया उदन मैं तेनू जरूर खा जाना। कम तू मैनू दस
जितना मर्जी दसने मैं काम करांगा, पर जिस दिन मैं वेला रहा उदन तेरी खैर को नहीं, उदन ही तेन मैं खत्म कर दे। फिर से मन में आया मेरे कड़े काम मुकने, मैं जिथे मर्जी इन भेजागा, देशों परदेशों में मेरा व्यापार चलता है, मैं एक काम खत्म होना दूजा दस दिन। हम रब की करनी ग्रंथ का करता लिखता है भी सेठ ने जो काम कहना ते उस ताकत ने उस जिन ने एक खिंड सारे काम नबेड़ के आ जाए, देशों परदेशों में काम दसे मुक गए। अखीर से कहने जो काम थोड़े रह गए तो सेठ का फोन छिकना शुरू हो गया, उसका रंग पीला पै गया तो हम मेरी खैर नहीं, काम तो गए मुक। ये समझौता होया कि जिनी देर तक काम दसेगा मैं तेरा साथ हाँ, ते जदो मैं वेला रह गया उदो तेरी खैर नहीं, उदो मेरा काम होना तेनू खाना। कहने जो जिन वेला होने लगा सेठ जेड़ा अंदरों कंबदा पे ते ओदी बेटी ने शब्द पूछ लै अपने बाप नू पिता जी कि तुसी इन्ने खुश प्रतीत हुंदे सी, मैं देखनी पईआं कुछ समय तो तुहाडे चेहरे ते घबराहट पीलापन आ गया, की कारण कि तुसी अंदरों जिवें दुखी ते घबराए हुए लगदे हो। उन्हें क्या कहना धीए तेन दसा की आ जिन खरीदया सी सुख दे लई काम दसा दा करेगा, पर नाल इहदे नाल शर्त जे वेला रह गया तेनू खाँगा। हुण काम तां गए सारे मुक, थोड़े जा रेंदे ने मुकादले ने मेनू इस करके घबरा के काम आला कोई नहीं हुण मेनू खाएगा। तो बेटी बड़ी सारी चुकन लगी, गल ही कोई नहीं तेनू नहीं वेले रहन देंदे तुसी खुश रहा करो। कहिंदा धीए काम ही कोई नहीं वेला किवें, तेनू कमे किहड़े लवांगे। उन्हें की किया बाप नू कह के अपने वेड़े विच इक लम्मा सारा बाप कर दिता, उच्चा सारा बाप बिठा दिता, ते नाल कहन लगी अपने उस बापू नू पिता नू कि जदो ये काम नबेड़ के आवे इनू इको गल कहनी है भी तेरा अगला काम एवे तू बाप ते चढ़ी जाना है ते उतरी जाना है, जिन्नी देर तक असी अगला काम नहीं कहेंगे तू यही करना है होर तू कुछ नहीं करना। कह लगी सारी जिंदगी चढ़ी जाए तो उतरे रह, ना वेला होवे ते ना तुहानू खाए। कहने गल वाकई ठीक सी, उन्हें घर च वाज क्या कटिया जी, वाज क्या कटिया उत्ते उन्हों आंदिया क्या भी तेरा काम हुण अगो तेरे ते चढ़ी जा ते उतरी जा, अगला काम जिन्नी देर तक ने दस दे तू ही करना। जिन ने कहा जी सत बचन मैं तो काम ही करना। सेठ खुश हो गया। उस बंदे ने पता नहीं साखी किवें बनाई किवें उन्हें लिखी, पर मैं एक गल कहना उन्हें साडे मन की गल की। मन कोल इन्नी शक्ति है, अज देखो इस धरती से बैठा मनुख चंद्रमा तक आसमान दे विच जिहड़े वड्डे वड्डे ग्रह ने उन्हां तक अपनी पहुंच बनाई बैठा, कि यह ताकत मन विचों नहीं निकली। अज मनुख ने जिहड़ा सबर कई साल भी तय हुंदा सी ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ, ਤੇ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗਾ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ
ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲ ਮਾਵੈ, ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚ ਪਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਸਹਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜਿਉ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਏ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਕੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸਹਿ ਫਿਰ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹਰਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਟਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਦਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੜਪ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਗ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਣ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਕਾ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਵਡ ਆਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਹਰਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਏ, ਜੇਵਡ ਆਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਪ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਏ, ਜੇਵਡ ਆਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਖਤ
विसारे से कमजात नानक नावे बाज सनाश। परमात्मा के नाम नुल जाए विसार जाए इस कमजात का अर्थ आप समझते पे हो कि नीवा कर्म है। सहज किरण को इन दाता दिता है दात दे के पछतांदा है। सहज ने कहा कि जिन कन कीते अखी नाक ओदी दात है, जिन जेवा दिती बोले तात, जिस जबान नाल तू रब नू उलामे देन जाना ओदी दिती हुई दात है। जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए बाजे पवन आखे सबदा है। कहने प्यारिया ओदिया दितियां दाता ने पर दात देखो ने कभी पछताना नहीं, कभी नहीं कहता वह कि बंदे नु क्यों दिता। ए मन हर जी प्याए तू एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछो ताए। सब कितने खाओ हर कै सद बलिहार में, तन गुरु अमरदास कितने मैं खरीद हूं सदा भी बलिहार जाना कुर्बान जाना। क्यों जित सेवियां जित सेवियां करके जिदा सिमरन करन दे नाल सुख पाए अंदर का सुख मिलता है। गुरु के सिखो तुसी सियाने बैठे हो, मेरी बेनती नु थोड़ा जा बरीकी न समझियो। परमात्मा दियां दित्तियां दातां वर्गी होर कोई दात नहीं। मैं कहना असी बाहर दियां दातां ना देखिए, अपने शरीर नु हर बंदा देखना शुरू कर दे ओदा शरीर ही रब दी एडी वड्डी दात है जिहदी कोई कीमत नहीं। अज दे समय भी तुसी देखदे हो अनेकां तरह दी मनुख ने तरक्की कीती, कई फल ऐसे ने जिन्हां दा जूस जिन्हां दा सब कुछ कद नहीं, भावे वो सुके भी होण तां भी उहनां दे विचों तरल पदार्थ निकल आउंदा है। बेनती करां कि जदों किते सरो अत दी पक्की होवे क्या प्याज सुक जाए, सरो बंदे दी नजर विचों बिलकुल सुकी है पर ओनू कोलू विच कहानी विच पीड़ के देखो उस सुकी विचों भी तेल निकल आउंदा। मैं जी बेनती करनी है कभी कोलू विच पाई होवे सरो ते ए कहिए भी तिलां दा तेल निकल गया कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होंदा। जे तेल विच तिल पाए ने ते तिलां दा तेल निकलेगा, जे सरो पाई ते सरो दा तेल निकलदा। कभी चको भावे बदाम बिलकुल सुखा है पर जदों किते सियाणे लोग ओहदा भी तत करदे ने ते ओहदा भी तेल कढ के बाहर लियांदे ने सुके विचों भी रस पिया निकलदा है। ये परमात्मा वैगुरु तेरिया दाता कैसिया ने सुकिया चीजा विचो भी तू तरल पदार्थ जेड़े ने थंभियाई वाले पदार्थ क्या कद ने। अज सीकरा जिन्निया मशीना बनिया ने, मैं बेनती जेड़ी कर लगा मेरी बेनती समझियो कि जे आप बदाम का रस कढना ये नहीं कि पाए हुण चने ते कहिए विचो बदाम रोगन निकल जाए, कभी नहीं। बदामा विचो बदाम का ही रस निकलेगा, इतने रखो संतरे विचों केवल संतरे का ही रस निकलेगा, सेब विचों सेब का रस निकलेगा, अंगूर विचों अंगूर का रस निकलेगा। कोई मशीन दुनिया में शायद ऐसी नहीं जिदे विच पाए खून दाने ते बाकी खून निकलता हो, जिदे विच पाए खून फल फ्रूट ते बन के अंदरों ताकत निकले मिर्च निकले खून निकले विटामिन निकल। मैं बेनती करा गुरु के सिखो एक बंदा शरीर ऐसी रब ने मशीन बनाई है, खांदा अन्न पिया है ते बनदा खून पिया है, खांदा फल पिया है बनती एदे कोल ताकत पई है। मैं कहना दूजियां दातां करदे हो मना अन्न पाया अन्न धरती विच अन्न पाईए ते अन्न निकलदा है, कभी धरती ने अन्न दी थां ते मिज पैदा कीती, कभी धरती ने अन्न दी थां ते खून पैदा कीता। पर देखो परमात्मा ने कैसी मशीन बना दी बंदे नू कि एदे अंदर पाइए अन्न ते बांदा खून पिया है, पाइए अन्न ते बांदी मिज पई है, पाइए अन्न ता बांदियां ताकतां पईआं ने। तो सजना बाकी दियां गल्लां छड्ड, तू केवल अपने तन नू रब दी दित्ती कोई दात समझ के शुक्र कर लगदा है ते रब दा धन्नवाद कर दिया, तू कभी भी थक नहीं थकेगा नहीं। सब कितने प्यारिया उन्हें इनिया दाता तेन दिखा ने, फिर उन्हें नाम की एक दात दिखी। देखो इसे नाम की गल जो करने हर बंदा दुखी
किसी ने भी झाती मार के देख लो, यह गल वक्री कि कई बेचारे गरीब मातर धरती दुख रो पेंदे ने, कई अंदर अंदर पा के तुरे फिरते ने दुखी सारे, कोई धन करके दुखी है। एक मैं साधु के जतन पड़े, मैनू गल की बड़ी चंगी लिखी लगी, वो कहना कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, कोई तन करके बड़ा दुखी, कोई रोग लग गया, वो बेचारा शरीर नू भी ढोई जाता बहुत ही है ना। उस कई बंदे ऐसे ने जिन्हों को रोग लगे ने, मौत मंगते ने, तो मंगिया मौत भी नसीब नहीं होती, दुखी ने ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चिंता चित उदास, वो कहता कि थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी है, दुख सारिया रब की बंदगी करने वाला ही जरा सुखी है। हर बंदा दुखी, बाबे नानक नु पुछिए कहने तेरे दुख का छुटकारा हो सकता है, एक काम तू कर ले महाराज की, कह लगे तू जिन्ने मर्जी दुनिया के दुख लेके मेरे को आ जाए। ध्यान दिया कि रोज तुम एक तुका पढ़ते, कहने जिन्ने तेरे दुख ने, तन दे, मन दे, घर दे, चिंता झोरे सब कुछ लैके आ जी, बैठ के ना इतने भावना नाल तू रब की शिफ्त गाई, भावना नाल सुनी, गा के सुन भावना ना लई, सारे दुख मैनू दे दी, मैं तेनों अंदर का सुख दे के तो रहा। साहब ने शब्द कह कह लगे गा दिया सुनिए जबकि सर गा दिया सुनिए मन रखिए पाओ, अगली दो के दुख पर हर का तुम्हारा ले लेना खो लेना, कहने तेरे दुख मैं ले लागा, सुख घर लै जाए तेन अंदर का सुख मिलेगा, पर गाउन सुन दे ना। देखो असि इस गल दिनों दिन छड़ते जाने हैं, जेड़े जपन वाले सुने दिया चार पौड़िया ने, चारा पौड़िया की संपूर्णता इतने होंगी है, सुने दुख पाप का नाश। और की कारण के चार बारी क्या हो सकना, नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नाश, पर वो सुनना की प्यारियो, वो सुनना अंदर एकादर करके नाम के नाश को सुनना, अंदर नाम को सुनना। साहब कहने खाऊ हर कै सत बलिहार ने, जित सेवे सुख पाए, जिदे सिमरन के नाल अंदर का सुख मिले, नानक गुरमुख मिल रहे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की जोत, गुरु अमरदास कहते ने कि गुरु के सन्मुख रहने वाले परमात्मा नु मिल गए, हौमे शब्द जलाए, उन्होंने अपनी हौमे जेड़ी कोई शब्द की कमाई करके सार दिती। अगली अगला श्लोक है कि आपे सेवा लायन, देखो परमात्मा मेहर करे आप सेवा की दात देंदे ने, आपे बख्श करे आप ही बख्शा कर दे। जब कोई सेवा करता है, सेवा रब की दिती कोई दात है, मेरे दाता जी जिदे ते तेरी कृपा होवे वो सेवा कर सकता है। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, आप ही तो बख्श करने, अगली तो के सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे, सारिया का वो मां बाप आप है, वो मां भी है वो बाप भी है, सारिया की संभाल भी वो करता है। देखो ओहो जब मां बाप ऐसा होगा, मैं एक बेनती करा, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरु वर्गी मां बाप कोई नहीं है, जेडे संसार के रिश्ते ने इन्हों का अदब करना बहुत जरूरी। मैं रात की कथा में भी एक बेनती करके आया सैन हो जाए कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में गुरु रामदास का एक शब्द है, 1200 अंक से शब्द है, मैं तां सवेरे फिर दोहरा देना वा, दूर नेड़े सज्जन बैठे सुनते होणगे इस गल नूं कि खास करके नौजवान पीढ़ी बच्चियां ने भावें बच्चे ने, असल विच साडे अंदरों वो अदब चला गया, साडे अंदर ना नूहां विच वो अदब रहा ना पुत्रां विच हो रहा। क्षमा करियो, गुरु रामदास जी ने एक वचन कहा कि अमृतसर साहब की धरती से सक्का पुत्र सामने बोलिया, इसका मतलब सामने खलोता, सिर्फिए ने खलो के कबूल बोले सन। मेरे गुरु रामदास जी ने इतों गल कही पुत्र जी,
जिस मां बाप ने जमिया हो सामने खलो के बोलना एक तो वड्डा पाप ही कोई सब तो वड्डा पाप है। गुरु ग्रंथ साहिब तो शब्द लिखे गए कह लगे काहे पूत झगड़त हो संग बाप 1200 अंक हे पुत्र तू क्यों अपने बाप न झगड़ना जिनके जने बदीरे तुम हो 300 झगड़त पाप हो जिन्ना ने तेन जमया जिन्ना तेन पालिया इन्हों ने झगड़ना तो एक तो वड्डा पाप ही कोई क्षमा करो देखो वैसे एक वखरा विषय है मेरे सब्जेक्ट कुछ अरदास का पर नहीं इस विषय से जरूर मैं अर्जी करनी कि मां बाप के अदब संबंधी गुरु के सिखो दुनिया के बाकी रिश्ते खरीदे भी जाते बन भी जाते हैं एक दोस्त छद के गए 50 खलोते ने चोरी चुक पर जन्म देने वाली मां बस एको बारी मिलती है बाप एको बारी मिलता है जे जन्म एको बारी है तो मां बाप का प्यार भी एको बारी फर्क नहीं मिलता होंगे। शायद कृपालू जी ने मेल की कह लगे काहे पूछ झगड़ दो सन बाप तो भाई गुरदास जी ने एक तुक चार पौड़ियां कटिया कही एक तुक मैं कह देना कहने कामन कामन आ रही है कीतो कामन संत प्यारे कामन कामन आ रही है कामन का अर्थ है स्त्री कामन यारी का अर्थ में टूणा करने वाली इन ना समझो किसी बीबिया भेड़ा नहीं मैं बेनती करा इस गल सुचेत होकर समझिए कामन कामने आ रही है यह अर्थ करा माया माया टूने करने वाली है कि टूणा कर दिता ही काया कामन कामने आ रही है कीतो कामन संत प्यारे अपने संत से क्यों जो टूणा किते जमे साई विसरिया जिदन जमया कि उदन रब भुलिया कि व्याया मां प्यो विसारे जिदन व्या हो उदन जन्म देने वाले भुल गया कामन कामन कामने आ रही है कीतो कामन संत प्यारे जमे साई विसरिया जिदाया मां प्यो विसारे सुखा सुख व्याया तरले जिगर की सौण संजोग विचार विचारे तरले किते जे समा सोहना मिले मैं पुत्र नूं व्यावां कह लगे पुत नूं दा मेल वेख अंग ना मावन मां प्यो वारे पर नूं नित मत कुमंत दे मां प्यो छड बदे हथियारे मां जे पानी वार दी पई सिर तो रसदी नहीं पई ते भाई गुरदास जिन्हां नूं रोज कहिंदी है जे तो चार दिन जिंदगी जिउणी है ते मां बाप नूं घरों कढ ते जां आपां वक्त होईए हुण सको साहिब ने शब्द वरते नूं नित मत कुमंत दे मां प्यो छड बदे हथियारे वक्त होवे पुत रंग लै मां प्यो प्रा प्यो दे उपकार विचारे लोका चार बजे कुचियारे सब कृपालू जी कहने रब मां बाप ही सच जानी वो मां ऐसी है मैं जेडी बेनती कर लगा ये मां ता हो सकता है कि तन त्यागण तो पहला पहला छद के आप ही चली जाए रब वर्गी मां बाप कोई नहीं एक धरती नूं मां की है अभी रोज पढ़ने माता धरत महत महत का अर्थ हुंदा वड्डी कहिंदे धरती वड्डी मां है आम तौर पर साडे हुणे शब्द वरतन लग पए ने घरां विच कि दादी नूं वी वरत्या जांदा इह वड्डी मां है बड़ी मां कहिंदे ने गुरु साहिब ने धरती नूं कहा कहिण लगे वड्डी मां है क्यों जी धरत महत क्यों है गुरमुखो दुआबी मां जन्म दिंदी है कुछ समा पाल के आप पूज कर जाती है पर धरती वड्डी मां इस करके जन्म भी दिंदी है पाल भी दिए तेरे मल मूत्र नूं भी समेट दिए ते सत जानी जगन तो चलाना कर लगना है उस दिन भी मां तेनू अपनी गोद विच समा लेंगी ये धरत महत है वड्डी मां है माता धरत महत पर रब जिहड़ा वह एडो वड्डी मां है मैं बेनती कर रहा एक जन्म देने वाली मां एक धरत महत माता धरत महत एक साहब कह रहे ने कि गुरमुखा सबना का मां प्यो आप है ओदा भावे जिदन मां बाप ही चले जान यतीम बच्चियां का कोई ना रह जाए रब एहो जी मां बाप जिहड़ा यतीमां नूं भी पाप पाई दे देता है। भाई देखा गुरु रामदास कौन रह गया जी घर 2 साल की उम्र थी ते मां चली गई 7 साल की उम्र थी मेरे गुरु रामदास जी के पिता जी चले गए 7 साल का बच्चा यतीम होके घुमनिया विचन तुर गया दुनिया की नजर विच उहदा मां बाप क्यों नहीं कोई नहीं पर जिदन गुरु अमरदास आए ना ते उहनां नूं देख के कहन लगे
हे मेरे दादा जी गुरगद्दी ते बैठे ते क्या लोकां ने भी इन्हां दा मां बाप कोई नहीं सी ते उते शब्द वरते कह लगे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोला तब बिस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है हर जी माता हर जी पिता है ना गुरु माँ से बाबी हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए सदाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंद तो मेरा सखा सिखाए मेरी माँ भी तू है मेरा बाप भी तू है हजूर कहन लगे सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे नानक नाम से आयन तिन निज कर बात है जोग जोग शोभा हो जेडे नाम से आते ने उन्हों का निज घर विच वास होंदा है निज घर को भाव ओ घर जिस घर विच ज्ञान कदी कोई बाहर नहीं करता निज घर वास है जुग जुग शोभा हो उन्हां दी हर युग भी शोभा होंदी अगे पौड़ी तू करण कारण समर्थ है करते करण के कारण करण वाला ते कारण कोई काम का कारण बनना कहने तू करण नहीं है ते कारण नहीं है कहने लगे समर्थ है करते सब कुछ कर सकना ते गुरु रामदास कहने मैं तुझ बिन अवर ना कोई मेरा गरीब का तेरे तू बिना कोई नहीं तुझ आपे सिख सिरजिया तुझे आप सृष्टि नु सिरजिया है बनाया है आपे हुण कोई गोई का अर्थ ना मिला देना परत के समेत लेना आपे पढ़ने हैं ना शायद कृपालु जी ने बाणी विच मेहर भी कर दिया अनेक बचन ऐसे कह गए तू जुग जुग एको सदा सदा तू निचल करता सोई आप पढ़ने ओदे विच हजूर ने बचन किते ने तुझ आपे सिर सब सिरजिया आपे हुण गोई आप हुण गोई का अर्थ इसे यही बनेगा कि जेड़ी बनाना ओनू परत के फिर तू मिला लेना वैसे कौन दर्द में बुलाना अब पिंडा थावा से हुण आटा गुनना गोई शब्द तो ही मिल जाना पानी से आटा मिला देना मिट्टी गुननी अब देखने पानी से मिट्टी को मिला देना कह लगे मालिक जी ते तुसी आप सृष्टि सिरजिए ते आपे परत के समेत लै आपे हुण गोई पर कहने सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई शब्द अर्थ करांगे ते हुक्म कहने केवल एक रब का हुक्म वरत है जो कुछ ओनू पौंदा वो होना है वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई गुरु के सन्मुख रहन वालिया नू वडियाई मिलती है प्रभु की कृपा नाल ओ दात लैंदे ने गुरमुख नानक आराध्या साहब धन गुरु रामदास कहने गुरु के सन्मुख रहन वालिया ने प्रभु नू आराध्या ते आराध के पता की कहंदे ने सब आखो धन 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 गुरु सोई इन्होंने सारे आखो मेरा गुरु धन है सारे आखो मेरा गुरु धन है सारे आखो मेरा गुरु धन है क्यों कह लगे सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर परदा सजिया क्यों धन कहो नमस्कार गुरुदेव को सत नाम जिस मंत्र सुनाया भगल विचों कद के मुक्त पदार्थ माए समाया क्यों धन कहो नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे क्यों धन कहो गुरपुर है मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दिनों जन्म जन्म की मैल गई धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु मेहर करे किते मन दा टिका बन जाए गुरु के सिखो यतन करिए इस पढ़ाई नु रोज पढ़न दा मैं कहना दस मिनट पांच मिनट जिंदगी ता मिली इस तरह की कि घटो घट सिख ढाई घंटे ढाई तीन घंटे गुरु जी वाले पास लाए हुण जी कहने लो जी कमा तो वेल कोई नहीं समा कोई नहीं निकलता करिए की एक गल चेते रखो जिस दिन मर जाना उन्नी देर तक नहीं जे काम मुकने ये उस दिन ही मुकने ने जिस दिन चार जने खिंच के बाहर कद के लै गए उस दिन कमा ने कोई नहीं जाना उस दिन गुरु जी ने कहना अवर काज तेरा पिता ना काम निरसार संगत भज केवल नाम आ दुनिया के काम कार करदिया नहीं असली काम जेड़ा ना उस चेते रखिए मैं कई बार बेनती करना हूं असी ये क्यों नहीं सोचते पे अज मैक्सिमम बंदे की उम्र 60 कु साल मनी गई ये नहीं भरोसा कोई पता नहीं तेरा स्वाद आया होना कि नहीं होना
गुरु ग्रंथ साहिब ने 40 साल तक बंदे नु पूरिया मन्निया, उस तों बाद कहिंदे ने बंदा छिड़क जांदा। 40 सी पुर होए, 85 पग खिचे, 60 के बजे पावे, 70 का मतहीन अतिया का व्यवहार न पावे, 90 का तेजातन मूल न जाने। अब 90 साल की गिनती बाबा जी का कर गए, हुण किसे ने जे अपना 90 का जरा पड़ेगा 100 तक भी। मेनू इंज लगन लग पे सतगुरु जेड़ा तुसी ये शब्द कह गए, लास्ट 40 की पुर होए कि 40 साल तक बंदे दे काम ही न तमाम हो जाए, करे पूरे न होना शुरू हो जाए। मान लो अज मैक्सिमम उम्र के भी 7 साल है, तो मैं अपने मन में समझाना उन्हें मना भी जे 36-37 साल हो गए ना, तो बाकी किन्ने कु रह गए। देखा 14-15 साल 20 साल तक जाद्या पता नहीं लगना किधर गए ने, ते जिस बंदे जो 50 साल लग गए ने वो सोचेगा किन्ने कु दिन रही गए। मैं कहना बंदे नु इन्ना पता लग गया तू महीने बाद मर जाना, सच जानो वो महीना कभी किसी ने लगता नहीं। इन्नी कु गल समझ लीए भी 7 साल तो बाद मैं ऊंचा, ते जेडे सब तो उच्चे जिंदे पे ने वो समझ रब ने बोनस दे दिता, मेहर की रब ने 4 दिन जीवन भी दे दिते ने। चले तो आप जाना सब ने, अगर सोचिए भी अगर जाके बनना की इस शरीर ने, इस परिवार ने, इस सुख ने, ते जेड़ियां मोह दियां तंदा सानू खिची फिरदियां ने, ना कोई नहीं जो चलना गुरमुखो जो चलना है अखीर ते वैदो ना वाई, भैनो ना भाई, एको सहाई, राम के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।